when two displacement represented by y1 is equal to a sin omega t and y2 equal to b cos omega t are superimposed, the motion is, ये दोनों आपके पास क्या हो रहा है, दो SHM सुपर इम्पोज हो रही है, ठीक है। एक आपको दे रखा है एम्पलीट्यूड इतना है और फ्रिक्वेंसी साइन, और ये y2 इज इक्वल टू दिस, तो ये हमारे पास जो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस क्या आ जाएगा b कोस ओमेगा t, ठीक है। एम्पलीट्यूड ए और बी है और फेज 90 का है, तो एम्पलीट्यूड आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड दिस, ये आंसर है हमारे पास, यानी आंसर नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है बच्चों।